यूएसए लॉटरी प्रोग्राम क्या है और वहाँ की क्या जो एलिजिबिलिटी है, आपके उसके लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। यूएसए लॉटरी वीजा से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो है यूएसए वीजा लॉटरी से रिलेटेड बताइएगा ये क्या होती है और इसके लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और इसका जो है क्या जो है प्रोसीजर होता है और कौन सी कंट्रीज इसमें जो है एलिजिबल होती हैं अप्लाई करने के लिए यूएसए लॉटरी वीजा के लिए। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर सीखो में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके द्वारा जो है पूछे गए इतने सारे क्वेश्चन जो कि यूएसए लॉटरी वीजा से रिलेटेड के थे। सर हमें जो है यूएसए लॉटरी वीजा से रिलेटेड जो है थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया जिससे कि आपको पता चल जाए और जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनको क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए। और दूसरे भी अगर आप भी नए हैं चैनल पर तो आपको भी जो है ये चीज़ें सारी जो है क्लियर हो जाए, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक, क्योंकि अगर आप वीडियो की भावनाओं में इतना खो जाते हैं कि जो है आप जो है लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मैं सीख लेते हैं आज जो है कि यूएसए लॉटरी वीजा क्या होती है। देखिए यूएसए जो लॉटरी वीजा है एवरी ईयर जो है ये जो है वहाँ पर एक तरीके से ग्रीन कार्ड जो है प्रोवाइड कराती है 50,000 से ज्यादा लोगों को जो है इमिग्रेंट कराने के लिए। उनका मिशन रहता है कि 50,000 लोगों को जो है वो इमिग्रेंट कराएं अपनी कंट्री में, तो वो रैंडमली जो है सेलेक्ट करते हैं। बस यह है कि उसके लिए आपकी एलिजिबल कंट्री होनी चाहिए और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मैं बताने वाला हूँ वो आपके पास है, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे जो यूएसए की लॉटरी वीजा के लिए। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं बता दूंगा, देखिएगा इसमें जो कंट्रीज आती हैं उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। अप्लाई बाय योरसेल्फ वाली जो है मेरी प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने बताया है कि जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसको और कौन कौन सी कंट्रीज में एलिजिबल है। तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ, देखिएगा इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये कंट्री जो है नहीं आती है इसमें। तो अब ये लोग कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर इनकी कोई स्पाउस या कोई इनका वाइफ है या हस्बैंड है और दूसरी कंट्री जैसे शेंगेन कंट्रीज हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गए वहाँ पर अगर सिटीजनशिप है तो वो अप्लाई करेंगे, तो उनके बिहाफ पर ये जो है अप्लाई कर सकते हैं वहाँ का यूएसए लॉटरी वीज़ा। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ कोरिया, फिलीपीन जो है कंट्रीज़ हैं, इनके लिए जो है यूएसए लॉटरी वीज़ा नहीं होती है, लेकिन इनका जो स्पाउस होता है, जैसे कि इनके जो स्पाउस में वाइफ हो सकती हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर वो दूसरी कंट्री डुअल नेशनलिटी उनके पास है तो उनके बिहाफ पर ये लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई बाय योरसेल्फ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके आसानी से वहाँ का जो यूएसए का जो लॉटरी वीज़ा है उसे जो है आप हासिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या जो इसके लिए चाहिए। देखिएगा सबसे पहले जो इसमें चाहिए रहता है कि आप जो है एलिजिबल कंट्री में जो है रहने वाले होने चाहिए, जो कि एलिजिबल कंट्री मैंने बताई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है मैंने बताया है कौन कौन सी कंट्री इसमें एलिजिबल हैं। और नॉर्मली जैसे कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ कोरिया, फिलीपींस से हैं तो आप नहीं होंगे एलिजिबल इसमें, और भी हैं बहुत से कंट्री हैं इसमें जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये लोग जो है नहीं होते हैं। तो इनमें यह है कि डुअल नेशनलिटी अगर आपके स्पाउस की है तो उनके बिहाफ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका जो भी आपका स्पाउस है वो एलिजिबल कंट्री में आता है तो हाँ, बस ये भी यहाँ इस चीज़ की वजाहत कर दूंगा कि आपका जो स्पाउस है वो एलिजिबल कंट्री का जो है सिटीजन होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए जिसका जो है जो एलिजिबल कंट्री नहीं है उसका सिटीजनशिप है, तो तब फायदा नहीं होगा। अगर आपका स्पाउस एलिजिबल है, जो एलिजिबल होगा जब वो एलिजिबल कंट्री का जो है सिटीजन होगा वहाँ का। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, पहली चीज़ है कि आप जो एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए आपकी सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जो है सिटीजन होने चाहिए या जो है एलिजिबल कंट्री के सिटीजन होने चाहिए आप। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आती है इसमें ये आती है कि आपकी एजुकेशन जो है मिनिमम इसमें 10th होनी चाहिए, 10th आपको जो है मिनिमम इसमें एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है 10th आप होने ही चाहिए। ठीक है ना, 10th के नहीं है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और आप जो है इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 10th है तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आती है इसमें आती है कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस जैसे 2 ईयर्स का एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स का है तो मिनिमम ये है, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो वो आपका एडिशनल होएगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिएगा
चौथी चीज जो है इसमें यह है कि आप जो है जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी वो करेक्ट होनी चाहिए। आई मीन जैसे कि आपने जो यूएसए लॉटरी वीजा के लिए जो है न्यू जो है अभी जो न्यू रूल आया है उसमें यह है कि अगर आप जो है कोई सी भी उनकी फॉल्स इंफॉर्मेशन आपकी पाई जाएगी, आपकी चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या आपकी जो है जो भी आपने नेशनलिटी है उसमें, जैसे कि बहुत से क्या करते हैं कि जो है गलत तरीके से जो है सिटीजनशिप का जो है वो करा करके जो है वो डॉक्यूमेंट लगा दे, तो ये नहीं चलेगा। अभी जो न्यू रूल आए हैं उसमें यह है कि अगर जरा से भी इस तरीके से पकड़े गए तो अगले बार आप जो है अप्लाई करने के लिए भी जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें। मैंने इसलिए वीडियो बनाई जो कि अभी न्यू रूल जो आए हैं यूएसए लॉटरी वीज़ा में, और इसके जो है रिजल्ट भी आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है वीडियो दी हुई है अप्लाई बाय योरसेल्फ में यूएसए लॉटरी क्या है और कैसे जो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वीडियो मैं बना चुका हूँ। आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा और देख करके उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैसे अप्लाई करते हैं तो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिससे भी अप्लाई नहीं होगा मैं जो हूँ इसमें हेल्प कर दूंगा आपकी। अगर आप ये जो भी मैंने इसमें जो है क्राइटेरिया बताया इसमें आप फिक्स होते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं आप लोगों को यही गाइड करता हूँ कि यूएसए जो है 50,000 जो है इमिग्रेंट को एवरी ईयर जो है उसको अभी ये बढ़ा भी रहा है। अभी जो न्यू रूल आए हैं उसमें यह है कि जो है अभी न्यू जो है उन्होंने बोला कि वो बढ़ाएंगे भी, अभी जो है अभी उन्होंने जो है इस चीज़ को एडवर्टाइज तो किया नहीं है, लेकिन उनका जो प्लान है वो यह है कि उनको जो है इमिग्रेंट को बढ़ाने का ज़्यादा ज़्यादा जो है उन लोगों का प्लान है, क्योंकि वो B1 B2 वीज़ा का तो मैंने बताया था जो कि न्यू जो है इमिग्रेशन जो है रूल आया था उसमें मैंने बताया था कि B1 B2 वीज़ा भी आप उनको जो है ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान हो रहा है। तो ये लॉटरी की वीज़ा है, इनका भी जो है उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ाने का जो है सोचा है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा, लेकिन फिर भी इसमें और भी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और पूछ करके उसका रिप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर मैं आपकी जो है पूरी हेल्प कर सकूँ। जो भी आपकी जो है इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है मोबाइल PC लैपटॉप टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी माई व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी माई वन नंबर और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू आर न्यू सो प्लीज़ नीचे जो है रेड कलर का आप जो है सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं इसे क्लिक कर लीजिएगा। करने का फायदा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपको आपका मोबाइल में PC में लैपटॉप में जिसमें भी YouTube देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फायदा होगा। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग इतने जो है कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोज, इतना लाइक करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन फ्यूचर में भी यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल PC लैपटॉप टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों आप इतना कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी लेकिन आप लोगों के क्वेश्चनिंग की वजह से मैं सीख पाया हूँ। क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं पहले उन चीज़ों को जो है देखता हूँ। अभी जैसा कि क्वेश्चन आपने किया था यूएसए लॉटरी वीज़ा से रिलेटेड, तो मैंने जो उसे देखा कि क्या क्या जो है अभी न्यू रूल जो है वहाँ के आए हैं, तो वो ही मैंने इस वीडियो में बताया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने जो है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्राप्त की वो आपको बता दी। अब आप लोगों का फर्ज है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएं, जिससे कि दूसरों को भी इसका पता चल सके, दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज़ जो है शेयर कर सकें। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तो थैंक यू अगेन ऑल माई व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सबको जो है मैं सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की वजह से जो है इतने 100K सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं जो हूँ सिल्वर बटन भी आप लोगों की वजह से मिला, तो बहुत ज़्यादा जो है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्यूचर में भी इस तरीके से क्वेश्चनिंग करते रहें और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे जो है आप बताते रहें, और लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने का मैं फ़ायदा बता ही चुका हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरों के भी अगर वो क्वेश्चन होते हैं तो उनके क्वेश्चन का भी रिप्लाई हाथों हाथ मिल जाता है। तो लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज से भी जुड़ सकते हैं आप और जुड़ करके वहाँ जो भी आपकी जो है क्यूरी है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप लोग उस टाइम पर भी आते हैं और लेकर आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं देख करके मुझे खुशी होती है।
होती है और होकर के मैं जो हूँ रिप्लाई देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप उससे भी जुड़ा करें। और जो भी आपको जैसे कि अभी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन क्यों है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगे और इन फ्यूचर में भी आपके लिए जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हैं अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रेड कलर की सब्सक्राइब का बटन को क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे ये होता है कि जो भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वाली जो डेली वीडियो होती है वो बाई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आल्सो। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।